जय महाकाल, जय माता बगलामुखी। भैया खाना वाना खा लिया है मैंने और सोचा था एक वीडियो बना लूँ अच्छे से आपके लिए, ठीक है। और भैया मुझे अपना चेहरा देखना अच्छा लगता है मोबाइल के कैमरे में, तो मैं आ जाता हूँ आपके सामने। भाई आपके आज भी 150 प्रश्न हैं तो मैं आपको उत्तर दे दूँ। आप कहते हैं कि आपके कम से कम 10 प्रश्न ये हैं कि गुरु आप इतना काम लोगों को करते हो, आपकी शक्ति खत्म नहीं होती, इतने लोगों को दीक्षा देते हो, आशीर्वाद देते हो। नहीं मित्रों, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आप किसी महाविद्या से जुड़े हुए होते हैं तो आपकी शक्ति कभी ख़त्म होने का या खर्च होने का सवाल ही नहीं होता। खर्चा वहाँ होता है जहाँ कुछ चीज़ लिमिटेड होती है, खर्चा वहीं पर होगा जहाँ किसी चीज़ की एक सीमा होगी। जब वो अथाह है, सागर है, तो उसकी खर्च होने का सवाल ही नहीं है। अब समुद्र में से आप कितना ही पानी लेते चले जाइए, नदी में से कितना ही पानी लेते चले जाइए, कभी ख़त्म नहीं होगा। वही हिसाब है विद्या का। अगर ज्ञान ऐसे स्रोत से है, कोई ऐसा आपका जो स्रोत है, कोई ऐसा आपका जो मतलब ज्ञान लेने का जरिया है जो बहुत बड़ा है, तो वहाँ से ख़त्म होने का सवाल ही नहीं है। ना मेरे वीडियो में कभी आपको ये होगा कि मैंने वीडियो बंद कर दिए बनाने इन चीज़ों को लेकर के, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि ये तो भाई हमारे ऊपर थोड़ी ना है, हमने शक्ति ही ऐसी वो करी है, पसंद की है, बगलामुखी महाविद्या, वो भी षटकर्म की अधिष्ठात्री। षटकर्म समझते हैं ना, सारे षटकर्म में सब आ जाते हैं, स्तंभन मोहन मारण वशीकरण शांति कर्म सब आ जाते हैं षटकर्म में, सही है। अब दूसरा प्रश्न आपका कि आप इतने सहज रह के कैसे बोल पाते हो मोबाइल के सामने, इतना सीधा सिंपल कैसे देते हो। तो मित्रों एक बात बताएं, अगर आप झूठ बोलना बोलेंगे ना तो आपको रिहर्सल करनी पड़ेगी, या किसी को उल्लू बनाएंगे तो आपको रिहर्सल करनी पड़ेगी, आपको अभ्यास करना पड़ेगा झूठ बोलने के लिए। लेकिन सच्चाई के लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, सीधा आप जाइए और आपको आपके क्योंकि आपके पास सच्चाई है तो आप बोलते चले जाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि आपको उसके लिए सोचना नहीं है। सोचना वहाँ पड़ता है जहाँ सामने वाले को धोखा देना चाहें आप, वहाँ सोचना पड़ेगा, वहाँ आपको ट्रिक तरकीब बनानी पड़ेगी। क्योंकि आपको भी मालूम है, वी कांट मेक फूल्स एनीबडी फॉर एवर टाइम। हम हर किसी को हर समय के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते किसी को, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आदमी समझदार हो गया काफ़ी। देखिए आप सब लोगों का देखोगे, मेरा भी देखोगे, तो आपको ये मालूम फर्क अंतर पड़ जाएगा मालूम कि प्रेजेंटेशन से ये अंतर पड़ता है खाली कि आदमी के शब्दों से पकड़ आ जाती है कि वो क्या जानता है या क्या नहीं जानता है। अब आप में से करीब कई लोगों के, ये करीब 150 लोगों के, ये 5-6 दिन में अंदर तो आएगी, आप अपने चैनल की वीडियो की क्वालिटी बेहतर करें और वो मतलब उसका लुक अच्छा दें। मित्रों मैं कल से ही एकदम, मैं चाहूँ तो कल से ही इतना बढ़िया बना लूँ, क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, तो इतनी बढ़िया वीडियो बना सकता हूँ मैं, उसके डेकोरेट करके उसको, उसकी ऐसी डिजाइनिंग डाल सकता हूँ उस वीडियो में कि आप पीछे का बैकग्राउंड देख के दंग रह जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं है। अगर बैकग्राउंड में कभी पीछे लगाऊंगा, कभी लगाऊंगा तो सिंपल लगाऊंगा, अपनी पेंटिंग का लगाऊंगा, ऐसा मुझे चमक दमक नहीं दिखानी है मित्रों। मैं वैसे मास्टर हूँ इस चीज़ का, मगर मुझे मालूम है कि जनता जानती है कि कौन हमें उल्लू बना रहा है, कौन हमें सही ज्ञान दे रहा है या क्या सही चीज़ दिखा रहा है। मैटर महत्वपूर्ण है, न कि डेकोरेशन, समझ गए ना। मैटर महत्वपूर्ण है कि वो जो मैटर को मैं लेकर चलता हूँ वो महत्वपूर्ण है। मुझे वही दिखाना है जो मेरे पास है, ठीक है। मुझे ये नहीं, वो नहीं दिखाना जो मेरे पास नहीं है, जो मैटर है, ठीक है ना। तो चलिए आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दें। भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग करीब 2 महीने से नरसिंह जी के ऊपर, नरसिंह भगवान के ऊपर वीडियो की मतलब कामना रख रहे हैं, चाह रहे हैं। तो देखिए नरसिंह भगवान की ऐसी कृपा है और मैं काफ़ी समय पहले से इनका कर चुका हूँ, तो मुझे थोड़ी सी जानकारी है, मैं आपको बता भी देता हूँ। नरसिंह भगवान को काफ़ी उग्र उसमें देवताओं के उसमें श्रेणी में लाया जाता है, भैरव बाबा महागणी काल भैरव की श्रेणी में नरसिंह होते हैं। एक बार इनको गुस्सा आ जाए तो रुकते नहीं है जी, पर तो आदमी का समझ लो सत्यानाश ही सर्वनाश ही हो जाता है। नरसिंह में काफ़ी, नरसिंह भगवान में काफ़ी वो होता है। अरे किसका फ़ोन आ रहा है जी, राम विष्णु हरि सिंह,
अरे फोन मत करो भाई इस समय। हाँ रात को कॉल करना भैया, ठीक है? हाँ 10 बजे, 10:30 के बाद कर लेना भले, ठीक है? ओके, जय माता रानी। रात में भी परेशान करते हैं भाई, मना कर दिया है मैंने 10:30, 10:30 के बाद कॉल मत किया करो, लेकिन फिर भी परेशान करते हैं। वीडियो सही आ रही है? कैमरा सही लग रहा है? नहीं लग रहा सही? हाँ सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा सीधा। हाँ हो गया। देखो मित्रों एक बात तो बता दूँ नरसिंह भगवान के बारे में आपको। नरसिंह भगवान के बारे में एक चीज़ ये है कि नरसिंह भगवान के वैसे तो बहुत मंत्र आते हैं, बहुत मंत्र आते हैं, मंत्रों की लाइन है नरसिंह भगवान के, लेकिन मैं कुछ खास मंत्र आपको दे दे रहा हूँ। देखो एक तो सीधा सीधा मंत्र है लेकिन बहुत तेज है, नरसिंह भगवान का जो बीज है ओम नृम है, नृम नृम नौ नौ बना करके उसमें नीचे रौ, जो नीचे कटा हुआ रौ लगता है ना वो नृम, और लास्ट में नृम के ऊपर बिंदी लग जाती है, तो वो पूरा बीज मंत्र आता है नृम, नृम होता है नृम। तो नरसिंह जी के जो मंत्र होते हैं वो इसी आधार पर होते हैं, जैसे ओम नृम नरसिंह आय नमः, ये सबसे छोटा जो वो सौम्य स्वभाव मंत्र है ओम नम नरसिंहाय नमः, इसको कर सकते हैं आप, शत्रु नाश के लिए भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं इसको आप, चाहे तो इसको कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है सर। अब दूसरा आप सुन लीजिए, दूसरा मैं आपको देता हूँ, ओम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यम, ओम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यम। अब इसका तात्पर्य आप समझ लीजिए क्या है, क्या मृत्युम मृत्युम नमाम्यम का मतलब है मृत्यु की भी मृत्यु, मौत की भी मौत, नरसिंह भगवान मौत की भी मौत हैं, दोबारा समझ सुनिए उसको, ओम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यम, मतलब मृत्यु की मृत्यु को भी नमन है। तो ये मंत्र बहुत उग्र है, इस मंत्र को आप शत्रु नाश के लिए चाहें तो कर सकते हैं, शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा है तो इसको कर सकते हैं, और अगर शत्रु के मुंह को बंद करना है, ठीक है, ज़्यादा बोल रहा है वो, ज़्यादा ऊट पटांग कर रहा है, तो उग्र नरसिंह का मंत्र आता है, उग्र नरसिंह का मंत्र है एकदम रौद्र रूप में, जैसे मैं खंभा फाड़ करके प्रहलाद को बचाने के लिए आए थे, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए खंभा फाड़ते हुए निकले थे, तो उस समय ये मंत्र का वो हुआ था प्रादुर्भाव प्रकाट्य, और मंत्र का इस प्रकार है, ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, ये मंत्र है, आप इसको कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है सर। इसको करके देखें, आपको पिक्चर की रोशनी आ रही होगी ना, टीवी चल रहा है मेरा, मैं टीवी के सामने बैठ जाता हूँ, तो आप नरसिंह जी का ये मंत्र करें, मंत्र नरसिंह जी के बहुत सारे हैं, मैं आपको कई दे सकता हूँ, लेकिन देखिए ऐसा है नरसिंह जी के बहुत मंत्र भी बहुत होते हैं, और कई जो भी होते हैं नरसिंह जी के, कई नरसिंह जी के मंत्र आपके करने के ऊपर है कि आप कौन सा मंत्र किस धारणा से करते हो। नरसिंह जी के मंत्र शत्रुनाश के लिए होते हैं, फायदे के लिए होते हैं। अगर नरसिंह भगवान को लोहे की कील आती है ना, बाजार में लोहे की कील ले आओ आप, और फिर उसको ला करके आप नरसिंह भगवान के सामने रखिए, नरसिंह भगवान का छत्र उसके सामने रखिए, उस पर रोज़ का टीका लगाइए, और नरसिंह भगवान से प्रार्थना कीजिए, ओम नम नरसिंहाय नमः मम सर्व ग्रह बाधा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा, हे नरसिंह भगवान हमारे सारे ग्रह बाधाओं को नाश करें, तो इससे ग्रह बाधा खत्म हो जाती है, ठीक है, जो ग्रह होते हैं ना हमारे वो खत्म हो जाते हैं। नरसिंह भगवान को चांदी का मोती होता है ना, चांदी का मोती बनवाओ, उसको चढ़ाने से जो आपका पैसा फंस गया हो ना कहीं, वो वापस आ जाता है, रुका हुआ जो पैसा हो ना वो वापस आ जाता है, और भगवा रंग का झंडा नरसिंह भगवान का पहले तो आपको मंत्र करना है, कितना मंत्र करना है आपको, मंत्र करना है कम से कम 3 माला 7 माला और 11 माला, तीन माला 7 माला 11 माला, ये मंत्र करना है, और मंत्र वही होगा लेकिन इसमें एक बीज और बढ़ जाएगा, ओम नृम नृम नरसिंहाय नमः, ओम नृम नृम नरसिंहाय नमः, हाँ लास्ट में इसमें मोह आएगा, नृम जो है उसमें हाँ मोह आता है, पूरा मुँह आएगा, नृम नृम नरसिंहाय नमः। इसकी 3, 7 या 11 माला करने के बाद
एक भगवा रंग का, भगवा रंग का एक ध्वजा, त्रिकोण ध्वजा बनवा करके और उसे मंदिर पे लगाएं, और नरसिंह जी के या फिर नरसिंह जी आपके घर में, तो छोटा सा ध्वजा बना करके उनके पास लगाएं उसे, ठीक है। उनकी तस्वीर हो, जैसे तस्वीर के कोने पे सीधे हाथ पर, भगवान के सीधे हाथ पर, हमारे हमारा उल्टा तो ठाकुर जी का सीधा हाथ पड़ेगा, उस पर लगाएं। आपको इसका फल दिखेगा, चमत्कारी फल दिखेगा। चीज़ें बहुत हैं आपके करने के ऊपर है कि आप क्या करते हो, चीज़ें बहुत हैं और किस तरीके से करते हो, मन से करिए, भाव से करिए चीज़ को। भगवान नरसिंह को मोरपंख होता है ना, मोरपंख चढ़ाने से भगवान नरसिंह को, जो कई ग्रह के दोष होते हैं वो दूर होते हैं, ठीक है साहब। और भगवान को, अगर नरसिंह भगवान को कहीं आपका कोई मामला अटक गया, मुकदमा वगैरह, तो भगवान नरसिंह को दही में थोड़ी सी खांड डाल करके, और उसमें इलायची होती है ना छोटी इलायची, उसके दाने डाल करके पीस करके, और वो उसमें थोड़ी सी केसर भी डाल दीजिए, और वो नरसिंह भगवान को प्रसाद लगाने पर आपको मुकदमे में सफलता मिलती है, धन लाभ होता है, और जो जीवन में आ रही बाधा होती है वो कट जाती है। नरसिंह भगवान का मंत्र होता है ना, वो इन चीज़ों के लिए विशेष प्रयोजन में आता है, बाधा काटने के लिए, तंत्र काटने के लिए, शत्रु काटने के लिए। शत्रु का नाश भी होता है, शत्रु बाधा भी कटती है, शत्रु का नाश भी ऑटोमेटिकली कर देता है नरसिंह जी का महाराज का मंत्र, ऐसा होता है। तो मित्रों इसीलिए आप करें और बताएं मुझे करने के लिए, मेरा प्रयोग तो बहुत है नरसिंह भगवान के। मैं समझ लीजिए कौन का फ़ोन आ रहा है फिर जी। और एक हाँ राजेश, देखिए ऐसा है, एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि नरसिंह भगवान का संकल्प लेके पाठ करना बहुत कठिन होता है, करना पड़ जाता है। हम जैसे साधकों को भी अगर हमने 41 दिन का संकल्प लिया तो बाधा आती रहती हैं। वो इसलिए होता है कि देखिए ये उग्र देवता हैं, शमशान भैरव, काल भैरव, नरसिंह, पंचमुखी हनुमान, ये बहुत तगड़े देवताओं के उसमें आते हैं, और देवताओं के उसमें आने की वजह से ही भगवान विष्णु का अवतार नरसिंह जी, लेकिन जो स्वरूप बदल गया तो उसकी तासीर बदल गई, उसकी ताकत बदल गई, उसका स्वभाव बदल गया, वो सब चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, तो इसलिए जो वो बहुत उग्र देवताओं में आते, तो इसलिए इनका संकल्प ले करके कि मैं इतने दिन जरूर करूँगा आपका, या करूँगा इतने दिन तक आपकी साधना करनी है मुझे, ऐसा कुछ ना करें। इनका एक नियम पकड़ लें कि आपको 3 माला, 11 माला और 21 माला जो भी आप कर सकते हैं, कोई भी मंत्र ले लें इसमें से, उस मंत्र का जाप करें, आपको चमत्कार दिखेगा। और सबसे सिंपल मंत्र है उनका, ओम नृम नरसिंहाय नमः, ओम नृम नरसिंहाय नमः, जो मंत्र का सबसे सरल और आसान मंत्र है। इसका प्रभाव भी देखने में काफ़ी अच्छा आया है, और डबल बीच का भी मंत्र होता है इसमें, ओम नृम नृम नरसिंहाय नमः, जो उससे भी तेज हो जाता है ओम। और एक जी मंत्र है जो उग्रों काफ़ी उग्र मंत्रों के श्रेणी में, ओम नृम नरसिंहाय फट, ओम नृम नरसिंहाय फट, जो उग्र मंत्र में है, जिस मंत्र में फट लगा होता है ज़्यादातर वो तुरंत काम करने वाले होते हैं, तो ये चेटक वाला मंत्र है, ये बाधा को भगाता है फट वाला। तो वो सब चीज़ें देख करके आराम से करिए, ध्यान से करिए, किसी भी वस्तु विशेष में ध्यान मत रखिए। माला में ध्यान रखेंगे तो माला का ध्यान हो जाएगा, सामग्री में ध्यान रखेंगे सामग्री का ध्यान हो जाएगा, मंत्र में ध्यान रखिए, देवता में ध्यान रखिए, अपने आप सही होगा। नियम बना लीजिए, 15 मिनट बैठना है हमको या 10 मिनट बैठना है हमको, आराम से करिए। मेरा तो यही सिद्धांत रहा है जरूर से, मैं वस्तु को महत्ता नहीं देता, मैं उसके भाव को महत्ता देता हूँ। इस क्षेत्र में इतना आगे का आने का कारण ही जी रहा कि मैंने वस्तु को प्रधानता नहीं दी, भाव को प्रधानता दी। तो ये सब चीज़ें लेकर के चलिए, ठीक है ना। और मुझे बताइए, अगर इनका बड़ा अनुष्ठान करना है तो आपको बड़ा, अगर जिनका वो करके देखना हो तो 54 दिन का करके देख लो बड़ा अनुष्ठान, 21 माला रोज करो रात को बैठ करके, 12 बजे के बाद, 12:35 के बाद आपको इनके साक्षात इनकी ताकत के वो हो जाएंगे, नज़ारे दिख जाएंगे, और चांद तारे याद ना आ जाए, बस यही याद रखना है, मेरा भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। कह देना मनोज भैया देखते रहना, बस बैठो करो। करने वाला ही उस्ताद होता है, बोलने वाला नहीं। जय माता रानी की।